Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the magnetic field due to circular current carrying conductor along with axial direction. And in this class, we shall discuss about the shape of magnetic field lines. Yahan lines add kar lijiye, lines due to circular current carrying conductor. जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, जो जिसका सेंटर जो है वायर के एक्सिस पर लाई करता है. लेकिन अब हमें जो है सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर का हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है, तो उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं या किस शेप का होता है ये जान लें. सपोज कर लिया जाए कि ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है. तो देखिए, किनारे पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर हम एक छोटा सा वायर यहाँ देखें तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा, सर्कुलर होगा, तो यहाँ भी सर्कुलर ही होता है, ठीक है. फिर ये सर्कुलर, लेकिन ये सर्कल अब धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और सेंटर से जो पास होने वाली लाइन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है. इधर भी वही काम, ये सर्कुलर, फिर ये सर्कल धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, ठीक है. ये इसी शेप का हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है. अब डायरेक्शन की बात करें तो देखिए, डायरेक्शन के लिए अभी मैं आपको बताऊंगा, राइट हैंड थंब रूल ही यूज़ करते हैं हम इसमें. कैसे यूज़ करते हैं वो यहीं समझ लिया जाए. राइट हैंड थंब रूल, सपोज कर लिया जाए ये हमारा कंडक्टर है. पिछले बार हमने बताया था कि इफ वी, राइट हैंड थंब रूल देखिएगा, सर्कुलर कंडक्टर के लिए अलग है और लीनियर कंडक्टर के लिए अलग है. सर्कुलर कंडक्टर में, सॉरी, लीनियर कंडक्टर में क्या होता था, जब वायर स्ट्रेट होता था तो हम ऐसे इसको वायर को पकड़ते थे, थंब करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता था, तो ये वायर हमारा कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता था. यहाँ जस्ट रेसिप्रोकल है, यहाँ हमारा जो कर्ल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को. इट मींस इफ वी कर्ल आवर फिंगर सच दैट द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जैसे मान लीजिए यहाँ पर करंट इधर की तरफ जा रहा है तो यहाँ हमें पकड़ना है, तो ऐसे पकड़ना है, ठीक है. तो अब देखोगे करंट हमारा इसी दिशा में जा रहा है और ऐसे ही हमने पकड़ा भी है ऐसे, तो थंब हमारा क्या होगा, अगर ये रिंग जो है इस प्लेन में रखा गया हो, इस तरह के प्लेन में, तो अगर वायर को हम पकड़ेंगे तो ऐसे ही पकड़ेंगे, थंब नीचे से ऊपर की तरफ होगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है ऊपर की तरफ होगा, ठीक है. तो ये तो हमारा हो गया शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर. ये जो वायर दिख रहा है आपको, यही करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, कि आई करंट फ्लो हो रहा है, ओके. अब जो है दूसरा हमको पढ़ना है राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इसी इसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैंने यहां डायरेक्शन लिख दिया है ना मैग्नेटिक फील्ड का, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं. पहला रूल है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, राइट हैंड थंब रूल अभी हमने जस्ट बताया. अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, इफ वी कर्ल आवर पाम एंड फिंगर्स सच दैट इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब हम अपने पाम और फिंगर्स को ऐसे कर्ल करें कि ये करंट के, करंट इधर की तरफ जा रहा है तो इधर की तरफ, देन थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. इसके पहले जब हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था स्ट्रेट वायर के लिए, उसमें करंट के डायरेक्शन में थंब होता है और ये फिंगर हमारे डायरेक्शन शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के. पर वहाँ पर क्या था, वायर स्ट्रेट था और मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है. यहाँ वायर सर्कुलर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो है वो लगभग स्ट्रेट ही होती है, लेकिन इस शेप की होती है, ठीक है. तो ये हमारा राइट हैंड थंब रूल हो गया.
दूसरा जो हमारा रूल है वो है क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल क्या होता है? जब कोई सर्कुलर कंडक्टर हो, देखिए ये हमारा एक सर्कुलर कंडक्टर, और इसमें जो है मान लिया जाए करंट का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। इधर की तरफ है, ठीक है। तो हमें यहां पर एन बनाना होगा, और एन के जो एंड्स हैं उनको अगर हम ऐसे सर्कुलेट कर दें, तो देखिए इस एरो को यहाँ ड्रॉ करने के बजाय यहाँ ड्रॉ कर लिया जाए तो करंट के डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ड्रॉ कर लिया जाए इसको, क्या यहाँ भी रहने दीजिए। ये है करंट आई का डायरेक्शन। अब देखिए फ्रंट फेस से क्या होता है, यदि किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है और सामने से आपको देखने में कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज आपको अगर करंट मिल रहा है, तो n अगर हम बनाएं तो n के जो एंड्स पर एरो होते हैं वो बिल्कुल इस करंट के डायरेक्शन को रिजेंबल करते हैं, मतलब कि उसी के सेम डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, इसलिए फ्रंट फेस जो होगा वो नॉर्थ पोल कहलाता है। वहीं दूसरी ओर यदि कोई कंडक्टर है, सर्कुलर कंडक्टर, ध्यान रहे सर्कुलर कंडक्टर, उसमें जो है करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा हो और यहाँ पर S के जो इंड्स होते हैं उन पर हम एरो बनाएं, तो ये दोनों एरो एक ही डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब यदि हमारा करंट क्लॉकवाइज होगा, ये है एंटी क्लॉकवाइज करंट, और ये है क्लॉकवाइज करंट। एंटी क्लॉकवाइज करेंट नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है और क्लॉकवाइज करेंट साउथ पोल को। एक बात और है कि यदि इसका ये वाला फेस, यानी सामने से हमको देखने में एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो पीछे से देखेंगे अगर बोर्ड के तो ये आपको क्लॉकवाइज ही दिखेगा। इसलिए जो सर्कुलर रिंग होता है उसका एक जो पार्ट होता है, एक फेस होता है, अगर वो नॉर्थ पोल है तो दूसरा फेस जो होगा उसी रिंग का वो साउथ पोल होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी डाइपोल एग्जिस्ट करता है, नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी इधर नॉर्थ है ना तो इसके पीछे साइड में साउथ होगा, यहाँ साउथ है तो इसके पीछे साइड में क्या होगा, नॉर्थ होगा, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे क्लॉक फेस रूल को, तो हम बताते हैं, इफ द करेंट मूव्स एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, देन द एरो मेड एट द इंड्स ऑफ द एन एन लेटर resembles the direction of current, that's why this face represents the north pole, and similarly for a clockwise current the arrow made at the ends of south word s resembles the direction of current, that's why it represents south pole, this is the clock face rule, it means we have to identify which face is north and which face is साउथ पोल इन अ सर्कुलर करेंट कैरिंग कंडक्टर। सर्कुलर करेंट कैरिंग कंडक्टर में कौन सा फेस नॉर्थ पोल होगा, कौन सा साउथ, ये हम क्लॉक फेस रूल से पता कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारा हो गया क्लॉक फेस रूल, ये दोनों रूल्स हो गए हमारे पास। एक और छोटी सी यहां पर जानकारी हमें लेनी है जिसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया भी था, कि सर्कुलर जो कॉयल होता है उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वही सबसे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमारा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यदि हमें जो है पूछ लेता है पेपर में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, यानी कि ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एट मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर,
देखिए, हमको ग्राफ ड्रा करना है मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो एक ग्राफ प्लाट करते हैं जिसमें एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं हम डिस्टेंस, ठीक है, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, दोनों साइड में डिस्टेंस ले लेते हैं इन मीटर, इन मीटर, और इधर की तरफ हम ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी वाई एक्सिस के अलावा, ठीक है। देखिए, सेंटर पर यदि कोई सर्कुलर रिंग है या क्वाइल है तो उसके सेंटर पर ही मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है। तो सेंटर पर जो है डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि सेंटर पर ही है। तो जब जीरो होता है उस समय मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ते जाएंगे, यानी कि इधर एक्सियल डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, ठीक है ना। फिर अगर निगेटिव एक्सिस की तरफ, यानी इधर भी पीछे की तरफ भी बढ़ते हैं, तो ये ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये हमारा जो है ग्राफ बनता है डिस्टेंस वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर करेंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। तो ये भी पेपर में कभी कभी पूछ लेता है एक नंबर में कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ड्यू टू अ सर्कुलर करेंट कैरिंग कंडक्टर, ओके। तो ये जो है हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो है इन पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने चुना है। ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन मिल जाएंगे। कल ही मैंने जो है, लास्ट डे ही मैंने जो है इसको असाइनमेंट के फॉर्म में दे दिया हुआ है, ठीक है। उन असाइनमेंट्स में से ही कुछ क्वेश्चंस हैं, और भी बाकी क्वेश्चन हैं उन असाइनमेंट्स में, उनको आप सॉल्व करेंगे, और जो भी डाउट होगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसका मैं वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। जबकि उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन पर हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल नंबर 11 दिया हुआ है, जिसमें पहला क्वेश्चन है असाइनमेंट का, पहला क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 है एस एल अरोरा के बुक के एग्जाम्पल नंबर 11 को हम पहला क्वेश्चन बना रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिया हुआ इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। मैटर ये है, रेडियस दे रखा है यहां पर r इज इक्वल्स टू 5.11 × 10⁻¹¹ मीटर, ठीक है। एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 6.8, फ्रीक्वेंसी दे रखा है न्यू 6.8 × 10⁻¹⁵ हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है इसका। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या सेटअप होगा। तो सबसे पहले देखिए, फार्मूला हमें जानना होगा कि सर्कुलर वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए लास्ट, ठीक है, फिफ्थ पार्ट में, पांचवें, ये सेवेंथ पार्ट है आपका, लेकिन फिफ्थ पार्ट में मैंने सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था, म्यू नॉट आई अपान 2R या 2A हमने लिया था वहां पर, 2A, यही फार्मूला है म्यू नॉट आई अपान 2A। अब जो है यहां पर फार्मूले में रखा जाए तो देखिए, R की वैल्यू हमारे पास मालूम है, ठीक है ना, R की वैल्यू मालूम है, यहां पर R लिख देते हैं, सेंटर रेडियस से ही R की वैल्यू गिवन है, न्यू दे रखा है, न्यू से हमें करंट पता करना होगा, करंट की वैल्यू पता करनी होगी। तो देखिए करंट चाहिए ना, सबसे पहले करंट कैलकुलेट करें, I इज इक्वल्स टू होता है Q/T, Q की जगह तो इलेक्ट्रॉन है, T निकालना जरूरी है, टाइम, तो आप जानते हो फ्रीक्वेंसी जो होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड होता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी को हम टाइम पीरियड में अगर बदलें तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं T = 1/ν, क्लियर है। अब जो है T = होता है 1/ν, E/T आ चुका है हमारे पास, अब हमारे पास हो जाएगा करंट = यहां से
ये तो टी है, टाइम पीरियड है। आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई बाई टी, या इसको हम टी की जगह हम रख देते हैं वन अपान न्यू, तो हो जाएगा ई अपान वन अपान न्यू, मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा न्यू इंटू ई, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। न्यू का वैल्यू गिवन है, पहले उसी को निकाल लेते हैं। न्यू का वैल्यू है यहाँ पर 6.8 इंटू 10 टू द पावर 15, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये है हमारा आई का वैल्यू। सॉल्व किया जाए इसको तो, जो अभी रहने दीजिए, आई आगे हमारे पास। अब फार्मूला लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पे, तो ये होता है हमारा म्यू नॉट अपान फोर पाई, सॉरी म्यू नॉट आई अपान टू आर। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, माइनस 7 हो जाएगा ये। आई का वैल्यू है आया हुआ 6.8 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 2, और आर का वैल्यू है 5.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, 5.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ठीक है, सबको अरेंज कर लेंगे और इनको सॉल्व करेंगे, सारे पावर्स को अरेंज कर लेंगे और सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू हमको मिलेगा 1.3 टेस्ला। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा 13.4 टेस्ला होगा सेंटर पर। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको जानबूझ करके बताया सेंटर पर। ठीक है, अगर हमें करेंट, इसका करंट का डायरेक्शन पता होता तो हम मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन बता देते। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, एग्जांपल नंबर 13 आपके बुक का है, एसएल अरोड़ा की बुक का। एग्जाम्पल 13 ये है, अ सर्कुलर क्वाइल हैविंग 100 टर्न्स। तो चलिए, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है 100, रेडियस 20 सेंटीमीटर, प्रत्येक का रेडियस जो है 20 सेंटीमीटर है। क्लियर है, लाइज इन एक्स वाई प्लेन विद इट्स सेंटर। चलिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है x और ये y, तो हमारा जो रिंग है ऐसे लाई कर रहा है जो इसके सेंटर पर है। ठीक है, ये z एक्सिस जो है ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा सामने, लेकिन उसको ड्रॉ ऐसे करते हैं हम। एक्स वाई प्लेन, ठीक है, इस सेंटर एट द ओरिजिन, ओरिजिन पर है सेंटर इसका, होगा ही, फिगर में भी दिख रहा है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 0020√3। तो 0020√3 तो जेड एक्सिस पर होगा, ठीक है। व्हेन क्वाइल कैरीज अ करंट ऑफ 2 बाई पाई एम्पियर, यहां पर जो करंट है वो 2 अपॉन पाई एम्पियर कैरी कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए, ये सर्कुलर रिंग है और ये जो लाइन आपको इस तरह से दिख रही है वो बल्कि एक्सियल लाइन है, ये एक्सिस है इसका जेड एक्सिस, ठीक है। तो उस पर जो पॉइंट है आप देखो, तो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होंगे और जेड कोऑर्डिनेट इससे आपको मिलेगा, यानी कि जो डिस्टेंस है यहाँ पर ए जो है वो है हमारा 20√3। चलिए अब फार्मूला लगाते हैं। बी इज इक्वल्स टू, फार्मूला हमारे पास था म्यू नॉट एन आई स्क्वेयर, ठीक है, म्यू नॉट एन आई, एक चीज गड़बड़ हो रहा है, एन आई ए स्क्वेयर अपान ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर टू द पावर 3/2, ये फार्मूला हमारा होता है, ठीक है ना। रेडियस इसका दिया हुआ है, हाँ रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर। तो काम करते हैं, ये रेडियस स्क्वेयर होता है यहाँ पर। अब सॉल्व कर लेते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू जो है, सारे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7,
नंबर ऑफ टर्न्स है 100, 100 मीन्स 10^2। आई का वैल्यू है आपका 2/π, 2/π हो जाएगा ये। आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, स्क्वायर 20 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलें तो ये हो जाएगा 20 × 10^-2 होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, बाकी नीचे हमारे पास ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर, ये तो आर की वैल्यू है। ए स्क्वायर मतलब कि 20√3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर होगा 400, ठीक है, और √3 का होगा 3, 400 × 3 हो जाएगा हमारा 1200 प्लस आर स्क्वायर, आर मतलब कि ये 20 × 10^-2 होल स्क्वायर, पाई यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंटू सॉरी इस पूरे के होल पर होगा आपका 3/2, ठीक है ना, यहाँ बस पाई रहे, पाई से पाई ये कैंसल आउट हो जाएगा। इसको जो है पहले दोनों को ऐड करोगे, फिर उसका स्क्वायर रूट लेकर के क्यूब करोगे, ठीक है ना, या क्या, या क्यूब करके फिर स्क्वायर रूट लें, इन सबको सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये हमारा वैल्यू आएगा 25 μT। कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा इसमें, ठीक है, पहले 1200 और फिर इसको ऐड कर लीजिए, फिर उसका स्क्वायर रूट लेकर के क्यूब कर दीजिए, तो हमें डिनोमिनेटर मिल जाएगा, बाकी ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 25 μT, यानी 25 × 10^-6 टेस्ला, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, एक मैंने सेंटर पे बता दिया और एक मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया एक्सिस के अलॉन्ग। इन्हीं टाइप पर बेस्ड जो है क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, दोनों क्वेश्चन पेपर बोर्ड में आए हुए हैं किसी न किसी ईयर में, एक 2016 में आया हुआ है और एक 2011 में आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो बोर्ड में आए उन खास करके उनको तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।